मंगलयान मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए अंतरिक्ष में और गहराई तक जा रहा है। रेलगाड़ियों की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है। जंबो जेट विमान एक बार में 600 से भी ज्यादा यात्रियों को ले जाते हैं। टेक्नोलॉजी की इस उड़ान को भविष्य को छूने की ये ताकत मिल रही है अतीत के गर्भ से उत्पन्न एक संसाधन से, वो है जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन लाखों साल तक पृथ्वी के गर्भ में विकसित होते रहे। जीवाश्म ईंधनों में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। फॉसिल यानी जीवाश्म कम से कम 10 लाख साल पुराने पेड़ पौधों और जीवों के अवशेष होते हैं जिनसे ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा के इस स्रोत की कहानी बहुत पुरानी है। ये लाखों करोड़ों वर्षों का सफर है जो हमारी अपनी पृथ्वी के सफर की पुनर्रचना करता है। कोयला और पेट्रोलियम ये दो जीवाश्म ईंधन हैं और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी ऊर्जा की निर्भरता मुख्य रूप से इन दोनों महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधनों पर टिकी है और ये अलग अलग तरीकों से बनते हैं। कोयले का उद्गम अलग तरीके से होता है और पेट्रोलियम भी अलग ढंग से बनता है। कोयले का ये टुकड़ा 20 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है और इसके अंदर जो कुछ है वो पेड़ पौधों के अवशेष हैं। ग्लॉसोप्टेरिस यानी पर्णपाती पौधा पत्तियां गिराने वाला पौधा होता है और सर्दियों में इसकी तमाम पत्तियां झड़ जाती हैं। हम सब जानते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टाने परत दर परत बनती हैं और खास तौर से ये पत्तियां ग्लॉसोप्टेरिस पौधों की जब इस सतह पर मौजूद थीं, तो ये चट्टानों को ऑक्सीडेटिव अपघटन से बचाती रहीं। उस समय की वातावरण की परिस्थितियां इस पौधे की पत्तियों को संरक्षित करने के लिए अनुकूल थीं। इसी के कारण इसके फॉसिल उन अवसादी चट्टानों की तह में जमा हो गए। फिर एक लंबे समय के बाद, लगभग कुछ लाख सालों के बाद, ये अवसादी चट्टानें बन गईं, तो हमें इन अवसादी चट्टानों में इन पत्तियों के निशान देखने को मिल जाते हैं। लाखों साल के सफर के दौरान यही पौधा कोयला बनता है। दम तोड़ देने वाले पौधे गीली मिट्टी में गहराई पर दब जाते हैं। इन्हें हवा नहीं मिलती जिससे एनारोबिक बैक्टीरिया इन्हें आंशिक रूप से सड़ाकर पीट बना देता है। ऊपर वाली परतों के नीचे दबते जाने के कारण पानी और दूसरे घटक इनसे बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए बढ़ता हुआ दबाव और तापमान जिम्मेदार होते हैं। कार्बन के संकेंद्रित होने से सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला लिग्नाइट बनता है। दरअसल कोयला एक ज्वलनशील और अवसादी चट्टान है जो पीट से बनता है। यूं भी कह सकते हैं कि पौधों के सघन रूप में जमा होकर स्वरूप बदलने से कोयला कहलाने वाली एक अवसादी चट्टान बनती है। दबाव और गर्मी की वजह से कोयले का रूप परिवर्तित होता जाता है। पहले दम तोड़ चुके पौधे पीट बनते हैं, उसके बाद वो पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस और बिटुमिनस से एंथ्रेसाइट बनते हैं। कार्बन की मौजूद मात्रा निर्माण के चरण को दर्शाती है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है कार्बन का घनत्व बढ़ता जाता है। पीट में होता है करीब 30% कार्बन, लिग्नाइट में होता है 30-40%, बिट्यूमिनस कोल में होता है 40-80% और सबसे ज्यादा होता है एंथ्रेसाइट में करीब 90% कार्बन। कोयले की मौजूदगी भूगर्भीय पैमाने पर अतीत की खिड़की खोलती है, खासतौर पर कार्बोनिफरस दौर यानी कार्बन युग की, जब वायुमंडल में मौजूद कार्बन कोयले की शक्ल में जम गया था। इसकी शुरुआत 36 करोड़ साल पहले हुई जब मौजूदा पक्षियों और जीवों के पूर्वजों के साथ साथ शुरुआती सरीसृप भी विकसित हुए थे। लेकिन बड़े पौधों और पेड़ों वाले कार्बोनिफरस और डेवोनियन दौर से पहले ऑक्सीजन में बढ़ोतरी और एक ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आई, उससे ध्रुवीय जलवायु में परिवर्तन आ गया। अब गर्मियां ज्यादा ठंडी होने लगी और ग्लेशियर या बर्फ की चादरें बनने लगी। तो शुरुआती कार्बोनिफरस दौर में समुद्र का स्तर घटा
और कम ऊंचाई वाले कई दलदली इलाके पानी से बाहर आ गए। इन इलाकों में विशेष वर्षा वन पनपने लगे। जब कार्बोनिफरस दौर के आखिर में जलवायु दोबारा बदली तो वर्षा वन खत्म हो गए। पेड़ पौधे दलदली इलाके में गिरे और तली में इकट्ठे हो गए, जिससे उनके दबने, सघन होने और कोयले के बनने की शुरुआत हो गई। कार्बोनिफेरस वाला दौर करीब 35 करोड़ से लेकर 30 करोड़ साल पहले मौजूद रहा होगा। अगर मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं, तो इस दौर में पूरी दुनिया में कार्बन डिपॉजिट्स का काफी बड़ा भंडार मिलता है। इससे पहले पूरी दुनिया में ही ग्लेशियर बनने लगे। उत्तरी गोलार्ध में विशेष तौर पर इसे कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशंस कहते हैं। तो ग्लेशिएशंस के बाद पेड़ पौधे काफी फले फूले और वो बड़े बड़े दलदली इलाकों और झीलों में जमा हो गए और कोयला बनने लगे। लेकिन ऐसा अधिकतर कार्बोनिफेरस दौर के दौरान यूरोप और अमेरिका में हुआ। ऐसा इन इलाकों में हुआ लेकिन भारत में नहीं। इसकी एक वजह ये थी कि तब पृथ्वी का आकार अलग तरह का था। इसे एक सुपर कॉन्टिनेंट पांजिया कहा जाता था, जिसमें वर्तमान में मौजूद सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक महासागर से घिरे हुए थे, जिसका नाम था पैंथलासा। पांजिया का आइडिया जर्मनी के एक अंतरिक्ष विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने सुझाया था 1912 में। उनका कहना था कि महाद्वीप हमेशा से ही गतिमान रहे हैं और आज भी आगे बढ़ रहे हैं एक प्रक्रिया के तहत, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पृथ्वी का केंद्र किसी पहेली जैसा है, जिसमें कई महाद्वीप और समुद्री प्लेटें हैं, जो एक अर्ध ठोस ऊपरी आवरण यानी अपर मैंटल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। करीब 25 करोड़ साल पहले पांजिया ने टूटकर दो महाद्वीपों की शक्ल ले ली। इसके उत्तरी हिस्से से लॉरेशिया बना, जो वर्तमान में उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया, यूरोप और रशिया कहलाता है, और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसमें मैडागास्कर, दक्षिण अमेरिका, भारत, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। लॉरेशिया भूमध्य रेखा के आसपास वाला दलदली इलाका था और ये वर्तमान के कार्बोनिफरस कोयला भंडारों जैसा ही है। भारत उस समय दक्षिणी गोलार्ध में था, जहां भूमध्य वर्षा वन नहीं थे, तो यहां उस दौर के कोयला भंडार भी नहीं है। गोंडवाना लॉरेशिया से अलग हो गया करीब 20 करोड़ साल पहले और भारत अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर मौजूदा स्थान की तरफ बढ़ने लगा। जब भारत धीरे धीरे उत्तरी दिशा और पर्मियन दौर की ओर बढ़ा, तो जलवायु की स्थितियां दलदली इलाकों के हक में बदलने लगी और कोयला बनने लगा। इसलिए करीब 90% भारतीय कोयला लगभग 28 करोड़ साल पहले वाले इस शुरुआती पर्मियन युग से संबंध रखता है। भारत में कोयला मुख्य रूप से दो तरह का होता है, एक है पर्मियन या गोंडवाना कोल और दूसरा है टर्शरी। टर्शरी पीरियड में शामिल हैं पैलियोजीन, पैलियोसीन, ईओसीन और ओलिगोसीन। इस दौर में भी पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए माहौल काफी बढ़िया था और इसीलिए वो धीरे धीरे कोयले के भंडार बनाते गए। तो टर्शरी कोल के ये भंडार मुख्य रूप से हमारे देश के प्लेट मार्जिन्स या मार्जिनल हिस्से में मौजूद हैं, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में, और इसके साथ साथ लिग्नाइट के भंडार भी बन रहे थे और ये मौजूद हैं गुजरात, राजस्थान और भारत के दक्षिणी हिस्से में। लेकिन सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने से पहले पेलियो सूचर्स या प्लेटों की पुरानी टेक्टोनिक सीमाओं के आसपास कई ढीली ढाली अवसादी घाटियां पनप गईं। जैसे जैसे ये प्लेटें और दूर होती गईं, घाटी का आकार भी बढ़ता गया और उसके ऊपर अवसादी चट्टानें भी बढ़ती गईं। लेकिन इनका आकार सैकड़ों किलोमीटर बड़ा है, इसलिए बेसिन कोई नेगेटिवली रिलीफ एरिया या ढाल वाली जगह होती है। जहां भी कहीं गड्ढे जैसी जगह होगी, वहां पानी आकर जमा होगा। पानी के साथ साथ वहां तलछट भी जमा होती है और ऐसी झीलों के इर्द गिर्द विशाल जंगल पनपते जाते हैं।
और फिर इनसे कोयला बन जाता है। और देखा जाए तो भारतीय कोयला ज्यादातर 28 करोड़ साल पुराना है। पेड़ पौधों के जमा होने और फिर उनसे कोयला बनने वाली जगहें कुछ खास ही होती हैं, और इनका ताल्लुक किसी समय विशेष से होता है। हम तालचर कोलफील्ड्स की कोयला खदान पर मौजूद हैं। ये भारत के निचले गोंडवाना कोलफील्ड्स में से एक है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है बाराकर कोल सेक्शन। गोंडवाना कोलफील्ड्स में कोयला तीन तरह की फॉर्मेशन यानी संरचना में मिलता है। ये हैं कारहारबारी फॉर्मेशन और बाराकर फॉर्मेशन और रानीगंज फॉर्मेशन। इस तालचर कोलफील्ड्स में भी कोयला इन तीन फॉर्मेशन में ही मिलता है। ये कोलफील्ड सबसे पुरानी बाराकर फॉर्मेशन से ताल्लुक रखता है। ये कोलफील्ड लोअर परमियन के उत्तरार्ध से ताल्लुक रखता है और करीब 29 करोड़ साल पुराना है। कारहारबारी फॉर्मेशन लोअर परमियन के मध्य दौर से जुड़ा है, जबकि रानीगंज सबसे कम उम्र का सिर्फ 25 करोड़ 30 लाख साल पुराना है। भारतीय प्लेट पश्चिमी किनारे से टूट गई थी, लेकिन पेनिनसुला इंडियन शील्ड में गोंडवाना अवसादी चट्टानों के नदी क्षेत्र के साथ साथ रैखिक पट्टियां भी हैं। इन फॉल्स पर टेक्टोनिक गतिविधि के सबूत साफ दिखते हैं। ये एक फॉल्ट प्लेन है और आप फॉल्ट को साफ साफ देख सकते हैं, और फॉल्ट के इस हिस्से में कोयले की एक जबरदस्त परत है, और फॉल्ट के उस ओर ये हैं बाराकर सैंडस्टोन्स और शेल। यहाँ आपको कोयले की तहें नहीं मिलेंगी, तो आप यहाँ फॉल्ट प्लेन साफ साफ देख सकते हैं। ये फॉल्ट यहाँ टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से बना है और ये इन दोनों जगहों को अलग अलग करने में मदद करता है। तो ये थी प्राचीन पेड़ पौधों की मृत्यु से पैदा होने वाले कोयले की कहानी। ब्रेक के बाद हम अन्य जीवाश्मीय ईंधनों तेल और गैस के बनने के तरीके को देखेंगे। कोयला जहां जमीनी पौधों के अवशेषों से बनता है, वहीं तेल तैरते जीवों और अन्य छोटे जीवों के कारण पनपता है जो प्राचीन महासागरों में मर गए थे। ये कोयले की ही तरह रेत और कीचड़ में डूब गए थे, फिर तलछट की परतों ने इन्हें ढक दिया और इन्हें जबरदस्त दबाव और गर्मी का सामना करना पड़ा, जिससे शुरू में कच्चा तेल बना और फिर दबाव और गर्मी के और बढ़ने के कारण प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ। होता यह है कि ये ईंधन किसी चट्टान में बन जाते हैं, जिसे हम सोर्स रॉक कहते हैं। ये कोई रास्ता तय करके एक ऐसी जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जिसे हम भंडार कहते हैं, और ये भंडार अभेद्य चट्टान से ढक जाते हैं। इन चट्टानों में इतने सुराख नहीं होते कि गैस और ऑयल इनसे होकर निकल सके, और बस फिर ये हाइड्रोकार्बन भंडार की शक्ल ले लेते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन 50,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैला है, और ये भारत के तेल और प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। इनका निर्माण क्योंकि सेडिमेंटेशन के साथ हुआ है, तो ये कुछ खास तरह के चट्टानों में ही मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ज्यादातर सेडिमेंटरी रॉक होता है। हाइड्रोकार्बन में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कुछ डोलोमाइट्स होते हैं। ये सभी हाइड्रोकार्बन्स के इकट्ठा होने के लिए बहुत उपयुक्त चट्टानें होती हैं। तेल की खोज उन क्षेत्रों की पहचान करने से जुड़ी रोमांचक प्रक्रिया होती है जहाँ तेल और गैस मिल सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में महारत रखने वाले वैज्ञानिकों की टीमें अलग अलग औजारों का इस्तेमाल करके अपना काम करती हैं। इस काम में कई तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण विधि, चुंबकीय सर्वेक्षण, रिफ्रैक्शन सर्वेक्षण और जियोफिजिकल रिफ्रैक्शन सर्वेक्षण। इसके अलावा रिफ्लेक्शन सर्वेक्षण के संदर्भ में भूकंपीय सर्वेक्षण भी होता है, यानी रिफ्लेक्शन सर्वेक्षण दो आयामी और तीन आयामी होते हैं। इन सब सर्वेक्षणों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा हम रिमोट सेंसिंग भी करते हैं, इससे उन क्षेत्रों को समझने में मदद मिलती है जो काम करने के लिहाज से बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। इसके अलावा एयरबोर्न ग्रेविटी सर्वे भी किया जाता है, जिससे पहाड़ों की बेसिनल ज्योमेट्री को समझने में मदद मिलती है। ऐसी जगहों पर भूकंपीय सर्वेक्षण करने में काफी दिक्कत आती है, तो मैं ये कहूंगा कि सर्वेक्षणों का टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा दरअसल खोजबीन करने में मदद करता है।
तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफी अहम है। तलछट में हाइड्रोकार्बन मौजूद है या फिर तलछट में हाइड्रोकार्बन मौजूद नहीं है, इसका पता हम अलग अलग गुणों के जरिए लगा लेते हैं। इससे हमें ऐसी तलछट का भी पता चल जाता है जिसमें कोई हाइड्रोकार्बन नहीं होते। तलछट के फिजियोकेमिकल गुणों के बीच जो अंतर होता है उसके जरिए हम ये फैसला करते हैं कि किस विशेष संरचना में हाइड्रोकार्बन का जमाव हो सकता है। हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी की पुष्टि हो जाने के बाद उसे निकालने का काम किया जाता है, लेकिन निकालने का ये काम असीमित समय तक नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है। हाइड्रोकार्बन को निकाले जाने के बाद उस क्षेत्र को स्थिर करने का काम किया जाना चाहिए, इसीलिए काफी सख्त नीतियाँ अपनाई जाती है। हर चीज का एक तरीका होता है। हम कहीं भी कोई वैक्यूम पैदा नहीं कर सकते। तेल और गैस इंडस्ट्री में दो चीजें होती हैं। अगर आप किसी भंडार से तेल निकालना शुरू करते हैं तो उसमें खालीपन आने लगता है और इस खालीपन को भरने की जरूरत होती है। इस खालीपन को या तो पानी या रेत या फिर किसी और चीज से भरा जा सकता है। जीवाश्म ईंधनों के साथ समस्या ये है कि उन्हें जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें पैदा होती हैं और जलवायु को नुकसान पहुंचता है। इस समय पूरी दुनिया में देशों से गुहार लगाई जा रही है कि वो अपने कार्बन उत्सर्जनों को कम करें ताकि जलवायु परिवर्तन का खतरा कम हो सके। सभी जीवाश्म ईंधनों में कोयला सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, उसके बाद तेल की बारी आती है, जबकि गैस सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। तो फिलहाल लगभग हर देश जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन अब वो गैस आधारित उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं। गैस से हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और हम पर्यावरण को भी कम प्रदूषित करेंगे। साफ ऊर्जा की मांग रोजाना बढ़ रही है क्योंकि ऊर्जा की मांग वाली गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। यही कारण है कि हमें जलवायु परिवर्तन से जुड़े जबरदस्त प्रभाव नजर आ रहे हैं। इस समस्या के समाधान नवीकरणीय ऊर्जा और अपारंपरिक ऊर्जा में छिपे हैं। अपारंपरिक ऊर्जा के मामले में गैस हाइड्रेट से सबसे ज्यादा उम्मीद है क्योंकि इनसे सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। गैस हाइड्रेट ज्यादातर मीथेन से ही बने होते हैं और गैस हाइड्रेट यानी मीथेन के पर्याप्त भंडार भी हैं। ये गैस हाइड्रेट का एक नमूना है। इसे तरल नाइट्रोजन में 0 से 197 डिग्री सेल्सियस तक नीचे तापमान में रखा जाता है। गैस हाइड्रेट के इस नमूने को हमारे कोल्ड सीप अभियान के एक भाग के रूप में कृष्णा गोदावरी बेसिन से निकाला गया था। तो आप यहाँ जो सफेद सामग्री देख रहे हैं वो मीथेन हाइड्रेट है। इसमें मीथेन गैस और पानी है। इसे केज लाइक स्ट्रक्चर या क्लैथोरेट स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये काले हिस्से वो तलछट हैं जिसके अंदर ये हाइड्रेट मौजूद होता है और आपको यहाँ ये छोटे सुराख भी दिख रहे होंगे। ये गैस पॉकेट है क्योंकि जब हाइड्रेट बनता है तो गैस पॉकेट भी वहां मौजूद होते हैं। कभी कभी ये गैस पॉकेट पूरी तरह भर जाते हैं जैसा आप यहां देख रहे हैं और ये एक विशाल हाइड्रेट बन जाता है। अगर हम भारतीय तट रेखा के पास मौजूद तेल क्षेत्र के गैस हाइड्रेट भंडारों से सिर्फ 10% मीथेन भी उत्पन्न कर ले तो हमारी ऊर्जा की 100 साल की आवश्यकता पूरी हो सकती है। वैज्ञानिक बेशक मीथेन को निकालने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन कार्बन फुटप्रिंट को घटाने की भारत की रणनीति क्या है? हमने देखा कि कैसे जीवाश्म ईंधनों को बनने में लाखों साल लगते हैं और कैसे बहुत कम समय में ही ये खत्म हो जाते हैं। ये समस्या इनकी खपत की वजह से और बढ़ रही है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आइए देखें कि भारत कैसे अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटाएगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि साफ ऊर्जा मुहैया कराने के लिए हम अलग अलग विकल्पों को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मुझे गैस का विचार आता है। हमारे यहाँ बहुत सारी प्राकृतिक गैस है और आप जानते हैं कि कोयला जलाने की तुलना में गैस कहीं ज्यादा साफ ईंधन है। अगर हम अपने बिजली संयंत्रों को गैस से चला पाए तो इससे गरीब लोगों को गैस के जरिए ज्यादा साफ ऊर्जा मिल पाएगी। इसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा 2G यानी सेकेंड जेनरेशन गैस का भी विकल्प चुन सकते हैं। आज सेकेंड जेनरेशन एथेनॉल भी एक शानदार नई संभावना के तौर पर
उभर रहा है जिसमें कचरे और सेकेंड जेनरेशन फाइबर्स से गैस बनाई जा सकती है। यानी ऊर्जा का स्रोत जितना साफ होगा उतना ही बेहतर होगा। भारत स्वच्छ ऊर्जा की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर कोशिशें कर रहा है। सबसे पहले तो साफ सुथरे कोयले के क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है ताकि अगर बिजली संयंत्रों में इसे जलाया भी जाता है तो भी ये साफ हो। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को लेकर जोरदार प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हमारा देश विकास के जिस चरण में है उसके लिए सौर और वायु कार्यक्रम बहुत महत्व रखते हैं। तीसरा, LPG आज सबसे साफ जीवाश्म ईंधन है और इसका इस्तेमाल आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है ताकि उन्हें भी अपने जीवन का स्तर सुधारने का मौका मिले। यानी भारत ने विकास के मध्य मार्ग को अपनाया है और वो विकास और स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश में है। मुझे लगता है कि इस सिलसिले में भारत के नेतृत्व का महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि हम दुनिया को ये दिखा पाएंगे कि हम कुछ अलग हैं। हम विकास कर सकते हैं लेकिन हमें ये विकास पर्यावरण की तबाही की कीमत पर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी उत्सर्जन और विलासिता से जुड़े उत्सर्जन के बीच अंतर करना होगा। विलासिता से जुड़े उत्सर्जन वो हैं जब हम में से बहुत से किसी SUV या किसी कार का इस्तेमाल करते हैं जबकि हमें सार्वजनिक परिवहन को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जिंदा रहने के लिए जरूरी उत्सर्जन वो हैं जो आम लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। सतत विकास के सफर के दौरान हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विलासिता से जुड़े उत्सर्जन जीवन से जुड़े उत्सर्जनों से आगे न निकल जाए। अगर ध्यान दें तो जरूरतों के लिए तो संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन लालच के लिए नहीं।